नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ब्यूटी ऑफ मैथ्स में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि फैक्टोरियल्स क्या होता है और उसके रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग क्या है। इसको पढ़ने से पहले आप प्रीवियस क्लास का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो ज़रूरी है थोड़ा इन चीज़ों को समझने के लिए। और ये जो हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इसमें ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसके बड़े बड़े डेफिनेशन होते हैं तो वो चीज़ें हम बाद में सीखेंगे। पहले कुछ सिंपल से क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं बिना कोई प्रिंसिपल के, बिना कुछ मतलब कोई रूल के। सिंपल जो है एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करके हम ये जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है इसको पहले हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से निकालेंगे कि कौन सा प्रिंसिपल है जिसको यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से मतलब बहुत ही कम वक्त में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और बेल आइकन जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसको हिट करना मत भूलिए। क्योंकि ये जो मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, एक भी वीडियो अगर आपसे मिस हो गया तो फिर आपको आगे के कंसेप्ट समझने में दिक्कत होगी। और ठीक है, और एक क्या होता है कि बेल आइकन हिट करना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए हम क्या करते हैं, इस एज में थोड़ा मस्ती के मूड में रहते हैं तो मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, कोई सीरियल देख रहे हैं या फिर कोई मूवी देख रहे हैं, देखते चले जाते हैं, या फिर खेल रहे हैं, खेलते चले जाते हैं, हमें पढ़ाई का उतना जोश नहीं होता है। लेकिन अगर आप बेल आइकन को हिट करेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपकी नोटिफिकेशन में वो आ जाएगा। तो आपको क्या होता है कि मोबाइल सपोज कोई वीडियो देख रहे हैं या फिर कुछ मूवी देख रहे हैं, आपको नोटिफिकेशन आ गया कि देखिए ये वीडियोस अपलोड हो गए हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि माइंड में थोड़ा इफेक्ट पड़ता है कि यार मैं तो जब देखो वीडियोस मतलब मोबाइल में मूवी ही देख रहा हूँ या फिर कुछ गेम ही खेल रहा हूँ, तो चलो ये वीडियो आ गया है तो चलो इसको देख लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि चलो मैं ये मतलब एंटरटेनमेंट छोड़ के थोड़ा पढ़ाई कर लूँ। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप नोटिफिकेशन जो है बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए। ठीक है, तो चलो इस नोट पे आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है कि इन ए क्लास देयर आर 10 बॉयज एंड 8 गर्ल्स, द टीचर wants to select a boy and a girl to represent the class in a function. In how many ways can the teacher make the selection? तो यहाँ पे हमें दिया क्या गया है कि एक क्लास में कितने हैं, बॉयज हैं 10 और गर्ल्स हैं कितने 8, ये है। तो इसका सॉल्यूशन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये दो चीज़ें हमें दे दी गई हैं, और क्या बताया गया है कि टीचर जो हैं एक फंक्शन के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं। क्या क्या सिलेक्ट कर रहे हैं कि वो एक बॉय को सिलेक्ट करेंगे एंड और क्या करेंगे, वो अ गर्ल मतलब एक गर्ल को सिलेक्ट करेंगे। तो ये कितने वे में हो सकता है, पहले देखिए कितने स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं फंक्शन के लिए। ये बॉय एंड ए गर्ल मतलब एक बॉय है एंड क्या है, एक गर्ल है, तो ये कितना हो गया 2। तो हमें दो जन सिलेक्ट करना है, दो स्टूडेंट सिलेक्ट करना है। सपोज आप टीचर होते तो आप कैसे करते, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम ये कैसे करेंगे, देखिए बॉय जो है मैं सपोज लिख लेता हूँ यहाँ पे बॉक्स करके, एक ग्रुप बना लेते हैं बॉयज़ का। हमें तो कोई रूल वूल पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी गिनती करेंगे कि बॉयज़ को एक ग्रुप में बिठा देंगे और गर्ल्स को एक ग्रुप में बिठा देंगे। तो यहाँ पे मैंने बॉयज़ को बिठा दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, गर्ल्स को बिठा दिया। अब अगर मैं टीचर होता या फिर मेरी जगह आप टीचर होते तो कैसे सिलेक्ट करते, यहाँ पे बॉयज़ 10 है तो सपोज मैं B1 B2 B3 इसी तरीके से B10 मैंने 10 बॉयज़ यहाँ पे एक ग्रुप करके बिठा दिए लेफ्ट साइड में, और फिर मैंने क्या किया राइट साइड में गर्ल 1 गर्ल 2 G3 इसी तरीके से G8 8 लड़कियाँ बिठा दी। अब मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ कितने वे में मैं कर सकता हूँ। देखिए अगर सपोज मैंने सिलेक्ट कर लिया बॉय 1 को, ठीक है, तो जो मैं भेजूंगा टीम कितने ऐसे, ये हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक द सिलेक्शन, मतलब कि वो जो टीम बनेंगे दो जनों का यानी दो स्टूडेंट्स का जो टीम बनेगा वो कितने टाइप के टीम बन सकते हैं, यानी कितने अलग अलग टीम में बना सकता हूँ, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो पहला टीम क्या बनेगा, देखिए सपोज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट बॉय को और फर्स्ट गर्ल को, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक टीम बना देंगे। ठीक है, अच्छा अगर ये मैंने सपोज गर्ल 1 को सिलेक्ट नहीं किया, उसमें उतनी एबिलिटी नहीं थी, मुझे लगा कि थोड़ा बेटर और हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, सपोज बॉय 1 को मैंने फिक्स कर लिया, ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसको मैं भेजने ही वाला हूँ, तो क्या करूँगा मैं बॉय 1 को फिक्स करके उसको मैं पेयर कर सकता हूँ किसके साथ, गर्ल 2 के साथ, ये भी एक टीम हो सकता है B1 G2।
सपोज गर्ल टू पसंद नहीं आया, फिर गर्ल थ्री के साथ पेयर कर सकता हूँ, बी वन जी थ्री। देखिए भेजना मुझे एक ही टीम को है, लेकिन करना क्या है, मैं कितने टाइप के ऐसे टीम बना सकता हूँ ये यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो मैं कितने डिफरेंट टीम्स बना सकता हूँ ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद किसी एक को भेजूँगा। तो चलो जी थ्री भी पसंद नहीं आया तो जी फोर, ऐसे ऐसे करके लास्ट में मैं ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, ऐसा ऐसा बड़ा बड़ा के, बी वन जी एट। तो टोटल कितने हुए, जी वन जी टू जी थ्री, बॉय वन तो सेम ही है, तो ये टोटल कितने टीम्स हो गए, एट टीम्स हो गए, ठीक है। तो अगर मैं बॉय वन को फिक्स कर दूं तो मैं कितने सारे टीम बना सकता हूं, जितने गर्ल्स हैं उतने टीम बना सकता हूं। तो ये तो हो गए बॉय वन को फिक्स करते वक्त टीम्स नंबर कि इतने टाइप के मैं टीम्स बना सकता हूं। चलो बॉय वन अगर मुझे पसंद नहीं आया तो बी टू, अगर मैं बॉय टू पसंद आ गया तो मैं क्या करूँगा, बी टू के साथ वही करूँगा, ये बी टू जी वन बी टू जी टू, इसी तरीके से बी टू जी टू, यानी ये भी एट टीम्स हो गए। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि बॉय वन के लिए, मतलब बॉय वन को अगर मैं फिक्स कर दूँ तो हम कितने टीम बना सकते हैं, ऑप्शंस एट हैं गर्ल चूज करने के लिए, तो हम आठ टीम बना सकते हैं। उसी तरह से बी टू को अगर मैं लूँ, बी वन को ना लेके बी टू को ले लूँ तो फिर आठ टीम बना सकते हैं, या फिर बी थ्री को लूँ फिर आठ टीम बना सकते हैं। तो हर एक बॉय के लिए हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, एट, इसके लिए भी एट ऑप्शन है, इसके लिए भी एट ऑप्शन है, उसी तरह से लास्ट बॉय के लिए भी एट ऑप्शन है। तो टोटल कितने ऑप्शन हो गए, हमारे पास 10 लड़के हैं तो 10 इंटू हर एक बॉय के लिए 8 ऑप्शंस हैं तो इंटू 8, तो हो गया कितना, 8 ही, सिंपल है। तो हम कितने ऐसे पॉसिबल टीम्स बना सकते हैं, हम 80 टीम बना सकते हैं। ये तो क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल, मतलब इसमें मैंने कोई डिफिकल्ट सा प्रिंसिपल नहीं यूज़ किया है, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है, सिर्फ मैंने इसको थोड़ा एनालाइज किया है कि मैं कैसे ये हो रहा है। तो ये है, इसी चीज़ को हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इस फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो प्रिंसिपल होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, जो मैंने यहाँ पे किया है मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये अगर ऐड हुआ होता तो वो हो जाता क्या, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो कोई ये बड़ा प्रिंसिपल नहीं है, इसके पीछे का आपको कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया है इसलिए हो जाता है ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगर कोई ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ता तो वहाँ पे हो जाता है क्या, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। जैसे कि मैं देखिए इसी सेम ही क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि 10 लड़के 8 लड़की हैं, टीचर्स वांट्स टू सिलेक्ट ए बॉय एंड ए गर्ल दिया गया है। अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे दिया गया है, सेम ही क्वेश्चन है, बाकी यहाँ पे क्या बोला गया है कि दी टीचर वांट्स टू सिलेक्ट ए बॉय और ए गर्ल। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एंड ए गर्ल था, यहाँ पे और ए गर्ल। तो यहाँ पे फर्क क्या है दोनों क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में ये बॉय एंड ए गर्ल चूज करना था, यानी दो स्टूडेंट्स भेजने थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉय और ए गर्ल बोल रहा है, यानी एक ही स्टूडेंट को भेजना है। तो बॉयज़ कितने हैं, 10 है, गर्ल्स कितने हैं, 8 हैं, हमें एक ही चूज़ करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, उसी तरह के से जैसे मैंने दो ग्रुप बनाया था, यहाँ पे बॉयज़ लिख लेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, गर्ल्स लिख लेंगे, जी वन जी टू इसी तरह से जी एट, ठीक है, ये बॉयज़ हो गए ये गर्ल्स हो गए। तो अब क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट ग्रुप में देखेंगे कि बॉयज़ जो 10 हैं हमें एक ही स्टूडेंट सेंड करना है, तो कितने वे में हम इसको चूज़ कर सकते हैं, या फिर जो टीम बनाना है टीम में एक ही स्टूडेंट है तो कितने टाइप की टीम हम बना सकते हैं। 10 बॉयज़ हैं तो हमें, हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 10, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो गया 10 टीम्स, एक ही स्टूडेंट का वो, मतलब एक ही स्टूडेंट रहेगा टीम में, हमारे पास 10 ऑप्शन है। या फिर अगर हम कोई भी एक बॉय को चूज़ कर लेते हैं तो हमारी सर्च ख़त्म हो गई, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन अगर हमें, लेकिन हमारे पास ऑप्शन 10 हैं बॉयज़ की, लेकिन अगर हमें कोई भी बॉय पसंद नहीं आया तो क्या करेंगे, हम गर्ल्स ग्रुप में अगर जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन कितने हमें मिल जाएंगे, 8 टीम्स, ठीक है। तो अगर हम बॉय सिलेक्ट कर लेते हैं तो आगे जाना नहीं पड़ेगा, और अगर गर्ल सिलेक्ट कर लेते हैं तो बॉय की तरफ जाना नहीं पड़ेगा। तो अगर हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, यहाँ मतलब इसी में से एक सिलेक्ट करना है या फिर इसी में से एक सिलेक्ट करना है, तो इसके पास ऑप्शन कितने हैं, 10, और इसके पास 8, तो ये हो जाएंगे क्या, ऐड हो जाएंगे। अच्छा ऐसा क्यों होगा, देखिए ये टोटल कितने हैं, 10 बॉयज़ हैं, गर्ल्स कितने हैं, 8 हैं, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 18 स्टूडेंट्स हैं। हमें क्या करना है, एक ही को सिलेक्ट करना है, तो 18 स्टूडेंट्स में से एक सिलेक्ट कितने वे में किया जा सकता है, 18 वे में, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस कितने हैं, 18 हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है
इसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन बोलते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं इसको, इसका अगर डेफिनेशन आपके बुक में दिया भी होगा, वो बड़े बड़े डेफिनेशन आते हैं, उतनी आपको मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा है, आप क्वेश्चन पढ़ो और क्या करना है, थोड़ा आइडिया लगाओ कि ये मल्टीप्लीकेशन होगा या एडिशन। तो यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ है आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में और दिया गया है, यानी ओ आर और ये हुआ, तो ये क्या हो जाता है, एडिशन। ये हो जाता है एडिशन प्रिंसिपल, यानी जो जो भी नंबर दिए गए होंगे उनको हमें ऐड कर देना है, थोड़ा आइडिया लगा के ऐड करना है। मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, आप देख लेना वहाँ पे। और अगर यहाँ पे एंड दिया गया है तो हमें क्या करना है, ये मल्टीप्लिकेशन होगा ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर आपको जो सिलेक्ट करना है या फिर टीम बनाना हो या फिर कुछ भी करना हो, वो काम करते वक्त दो काम अगर दिए होंगे या फिर तीन चार काम, मोर देन वन काम, मोर देन वन जॉब्स आपको अगर करने हैं और उनके बीच एंड लगा हुआ है तो उनको हमें मल्टीप्लाई करना है, और अगर और ओ और लगा हुआ है तो इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखिए, इसको अगर आप नोट बना रहे हैं तो कॉपी में लिख लीजिए, अगर नहीं भी बना रहे तो कोई बात नहीं, मैं नीचे PDF अटैच कर दूंगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का, ठीक है। तो ये सिंपल से दो क्वेश्चंस गए, थोड़ा और डिफिकल्टी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, और मैं थर्ड क्वेश्चन में आता हूँ। तो ये क्या होगा, देखिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि ए रूम हैज 6 डोर्स, तो एक कमरा है उसमें 6 दरवाजे हैं। तो आपको अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सा कमरा है जिसमें 6 दरवाजे हैं। देखिए ये हम सिनेमा हॉल की बात कर रहे हैं, बड़े वाले, छोटे वाले नहीं, पर्दा वर्दा अच्छा हो। एवेंजर्स एंड गेम का तो सीजन चल ही रहा है, तो वो देखने के लिए सपोज आप चले गए बहुत ही अच्छे सिनेमा हॉल में, तो वहाँ पे क्या है, 6 डोर्स हैं रूम में। और क्या चीज़ है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए मैन एंटर द रूम थ्रू वन डोर, मतलब कोई एक डोर से आप अंदर जा रहे हैं, एंड हमारा फर्स्ट जो बीट है, क्वेश्चन है, कम आउट थ्रू अनदर डोर। तो हमें पूछ रहा है कि एक डोर से हमें एंटर करना है, ठीक है, कोई भी एक डोर से, और एक डोर से क्या करना है, हमें एग्जिट करना है कोई भी एक डोर से। तो ये कितने वे में हो सकता है, देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चंस को अगर हम एनालाइज करें, जैसे मैंने प्रीवियस ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन में किया है, तो ऐसा आप टेबल खुद का बनाइए, क्योंकि मैंने एक बार टेबल बना दिया है तो बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको एनकरेज करूँगा कि इस क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में भी ऐसा वाला टेबल आप श्योर बनाइए, दो ऐसा राउंड कीजिए, डोर्स नंबर आप गिन लीजिए और ऐसे ऐसे लाइन बनाते उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि वो आपको कॉन्सेप्ट माइंड में अच्छी तरह से मतलब घुसेगा। मैं यहाँ पे डोर नहीं बना रहा हूँ, फिगर नहीं बना रहा हूँ, मैं आपको शॉर्टकट ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है, एंड है, तो हमें पता चल गया कि मल्टीप्लाई ही करना है। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल अप्लाई कहाँ करेंगे, कौन कौन से नंबर में, ये अब हम ध्यान देंगे कि एक बंदा क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है 6 डोर्स, कोई भी एक डोर में, क्योंकि 6 डोर्स हैं वो किसी में से भी एंटर कर सकता है, तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 6 हैं। एग्जिट करेगा कोई भी अनदर डोर, मतलब कोई भी डोर में, तो हमारे पास ऑप्शन कितने हो गए, 6। तो ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, सिंपल है। अच्छा सेकेंड बीट, यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है और क्या कर रहा है, एक डोर से एग्जिट कर रहा है, हला ठीक है। तो अब क्या होगा, एंटर करने के लिए कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास, 6, वही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट में बोला गया था कि वो एग्जिट कर सकता है किसी भी डोर में से, लेकिन सेकेंड बीट में क्या है, बोला गया है कि कम आउट थ्रू अ डिफरेंट डोर, डिफरेंट डोर मतलब जिस डोर से उसने एंटर किया होगा वो उसी डोर से बाहर नहीं निकल सकता। तो कोई भी बंदा किसी भी डोर में से अगर एंटर करता है तो उसी डोर में से वो बाहर नहीं निकल सकता। तो अब क्या होगा, वो एंटर करेगा एक ही डोर में से, ऑप्शन भले उसके पास 6 हैं लेकिन वो 6 डोर में से किसी भी वन डोर में के थ्रू एंटर करेगा ना, तो उसी डोर से वो नहीं निकल सकता। तो एग्जिट करने के लिए उसके पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे, 5। इसको भी वो आप ऐसे ऐसे मतलब राउंड राउंड बना के फिगर ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे डोर 1, डोर 2, यहाँ पे डोर 6, यहाँ पे ऐसा डोर बना के लिखिए और फिर ऐसा ऐसा आप डायग्राम ड्रॉ कीजिए। हर क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं करना है, लेकिन फर्स्ट के एक दो क्वेश्चन में आप ऐसा कर लीजिए, क्योंकि इसको ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि प्रोसेस कैसे हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे एंटर कर रहा है 6 वेज में और एग्जिट कर रहा है 5 वेज में, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करके 30 वेज हो जाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये थोड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा समझ के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि हमें दिया क्या गया है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगी, द फ्लैग ऑफ ए न्यूली फॉर्म्ड कंट्री इज इन द फॉर्म ऑफ 3 ब्लॉक्स। मतलब क्या है, एक फ्लैग दिया गया है हमें, यह हो गया न्यूली फॉर्म कंट्री का फ्लैग, इसमें 3 ब्लॉक्स हैं, यानी 3 अलग अलग हिस्से हैं, ईच टू बी कलर्ड डिफरेंटली। तीनों को हमें कलर करना है, तीनों ब्लॉक को, लेकिन वो तीनों ब्लॉक जो हैं वो अलग अलग कलर होंगे, यानी ये रेड हो गया तो इसको ये दोनों ब्लॉक में से किसी को हमें रेड नहीं डाल सकते, तीनों के तीनों पूरा डिफरेंट कलर होंगे। ठीक है, अच्छा इफ देयर आर टोटल 6 डिफरेंट कलर्स, तो हमारे पास कलर्स कितने हैं, 6 हैं डिफरेंट कलर्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास चूज करने के लिए 6 कलर्स हैं और उनको हमें क्या करना है, चूज करके यहाँ पे इनको कलर करना है, यानी रंग डालना है यहाँ पे। तो हाउ मेनी सच डिजाइंस आर पॉसिबल्स, तो ऐसे जो फ्लैग के डिजाइंस होंगे, अगर मैं 3 अलग अलग कलर यहाँ पे कर दूँ तो कितने सारे फ्लैग्स के डिज़ाइन हम बना सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो इसको, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस बताए हैं, सॉल्यूशन किए हैं, उससे थोड़ा ये डिफरेंट है। तो अगर आप खुद से आपका हो जाएगा तो ये बहुत मज़ा आएगा, और अगर नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है तो मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा, तो इसमें मतलब बुरा लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, जिन्होंने वीडियो को पॉज करा अच्छी बात है, अगर आपका सॉल्यूशन हो गया तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं भी हुआ तो मैं चलो बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये ब्लॉक 1 है, ठीक है, और ये क्या है, सेकंड ब्लॉक है, और ये हो गया थर्ड ब्लॉक। तो अगर आप सपोज ये कलर कर रहे होते ये फ्लैग को, तो आपके दिमाग में क्या चलता, ये थोड़ा ध्यान रखिए कि एक फ्लैग है 3 ब्लॉक हैं। ठीक है, ये तो हो गया, हमें समझ में आ गया, हमारे पास चूज़ करने के लिए 6 डिफरेंट कलर्स हैं। तो सपोज हमने ले लिया अलग अलग कलर के 6 डिब्बे हमने सामने रख लिए, अब क्या करना है हमें, हमने ब्रश उठाया और फिर कलर करना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट जो ब्लॉक है उसको कलर करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन आ जाएंगे, 6। ठीक है, ये 6 ऑप्शंस हो गए। सेकंड ब्लॉक को कलर करने के लिए ये जो कलर मैंने डाल दिया है फिर मैं यहाँ पे नहीं डाल सकता, तो ये हो जाएगा 5 ऑप्शन मेरे पास होंगे। फिर दो कलर मैंने कर लिया तो थर्ड के लिए हो जाएंगे 4 ऑप्शन, तो 6 × 5 × 4 ये जो हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए हुआ है क्योंकि इसको फर्स्ट ब्लॉक को मैं कलर करने के बाद क्या करूँगा, एंड सेकंड ब्लॉक को भी कलर करना है एंड थर्ड ब्लॉक को भी कलर करना है, और ये ऐड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम फर्स्ट ब्लॉक को कलर कर देंगे और फिर उसको छोड़ नहीं सकते, जैसे कि हम बॉय गर्ल सिलेक्ट कर रहे थे तो एक बॉय को सिलेक्ट कर लिया तो हम गर्ल्स सिलेक्ट करना हमें ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक ही करना है, तो आइदर हम एक बॉय को सिलेक्ट करेंगे या फिर एक गर्ल को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर ऐड होगा। लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट ब्लॉक को कलर करेंगे और सेकंड ब्लॉक को करेंगे, ऐसा नहीं है, मतलब आइदर फर्स्ट ब्लॉक को करना है या फिर सेकंड ब्लॉक को, ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है, सारे के सारे ब्लॉक्स कलर करने हैं, इसलिए फर्स्ट ब्लॉक कलर कर देंगे हम एंड क्या करेंगे, सेकंड ब्लॉक कलर करेंगे उसके बाद, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड ब्लॉक की भी कलर करेंगे। तो यहाँ पे कहीं पे एंड नहीं दिया गया है लेकिन यहाँ पे एंड इम्प्लाइड है, तो हमें थोड़ा यहाँ पे खुद का दिमाग लगा के यूज़ करना है कि यहाँ पे एंड हो रहा है या फिर ओ आर हो रहा है। ठीक है, तो और नहीं है, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड ही हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन सारे पसंद मतलब समझ में आ गए होंगे। तो यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसके बड़े बड़े डेफिनेशन होते हैं, उसमें आपको घुसने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन करना है अगर एंड दिया गया हो, अगर एंड क्वेश्चन में नहीं है तो आपको खुद का दिमाग यूज़ करके मतलब देखना है कि ये एंड होगा या फिर और होगा। ठीक है, और एंड हुआ तो मल्टीप्लाई कर दो, और ओ आर हुआ तो उसको क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि इससे क्या होगा, मुझे एनकरेजमेंट मिलती है कि नहीं, बच्चे मेरे पढ़ाने की टेक्निक को पसंद कर रहे हैं और वो लाइक भी कर रहे हैं, तो मुझे थोड़ा जोश मिलता है पढ़ाने के लिए। और अगर पसंद आया तो दोस्तों में शेयर भी कीजिए, कोई डाउट रह गया या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आई तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर और डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। और एक फेसबुक ग्रुप है हमारा, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं पोस्ट करता हूँ, और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं वो लोग भी करते हैं और हम वहाँ पे डिस्कशंस करते हैं, तो आप भी अपना डाउट्स वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, या फिर जो प्रीवियसली पोस्टेड क्वेश्चंस हैं आपको वो आप वो सॉल्व कर सकते हैं।
तो मैं आपको हाईली एनकरेज करूँगा कि आप फेसबुक ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, हमारा नीचे व्हाट्सएप जो मैंने मतलब व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो सारे के सारे जितने सारे मैंने ग्रुप्स हैं मेरे सारे के सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिए गए हैं। और एक चीज़ है, ये जो परमुटेशन कम्बिनेशन चैप्टर है इसको आप स्टार्टिंग से अगर देखना चाहते हैं वीडियोस, तो मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। और एक चीज़ कि परमुटेशन कम्बिनेशन का जो चैप्टर है, यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मैं इसके अपलोड करने वाला हूँ, तो इस चैप्टर का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, तो इसको अगर आप स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो से एंड तक देखना चाहते हैं वन बाय वन, तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया हुआ है इस प्लेलिस्ट का, आप उसको क्लिक कीजिए तो आपको ये सारे के सारे स्टार्टिंग से एंड तक के वीडियोस का लिस्ट आपको मिल जाएगा आपको वहाँ पे, तो आप वन बाय वन देख सकते हैं। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है और इससे थोड़े थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस और सारे डिस्कस करेंगे और इसको इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। तो रट्टा मानने की कोशिश मत कीजिए, आपको क्या करना है कॉन्सेप्ट्स को पकड़ के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो आज मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ाते बढ़ाते हम और बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।